नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि भगवान गणेश का मंत्र है और इसे वाचा सिद्धि गणेश मंत्र भी कहा जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता माने जाते हैं और हमारी संपूर्ण बुद्धि के विकास भगवान गणेश पर ही निर्भर होता है। उन्हीं की आज्ञा और उन्हीं की कृपा से ही हम तरक्की और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति का जैसा जीवन जी सकते हैं। अगर कुछ विशेष ताकत और बल हमारी बुद्धि में ऐसी क्षमता चाहते हैं जिससे कि जो कार्य हमारे मन में हो वही कार्य संपूर्ण हो और जो जैसा हमारे मन में जो फलित हो वही घटना घटित हो जाए, इसे वाचा सिद्धि कहा जाता है, यानी कि वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का तात्पर्य है कि जैसा व्यक्ति मन में विचार करता है उसके अनुरूपी कार्य का हो जाना उसे वाचा सिद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में अचानक से ऐसा विचार आया कि मैं फलाना व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ और तुरंत ही कुछ ही क्षणों में कुछ ही देर में ही वो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए या उसका टेलीफोन आ जाए या किसी न तरह से वो आपसे संपर्क कर ले, इसे वाचा सिद्धि कहा जाता है और ये अनेकों कार्य में काम आती है और यह बहुत ही एक प्रकार की सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र साधना मानी गई है और काफ़ी पंडित विद्वान एवं जो ज्योतिष से संबंधित लोग होते हैं वो तो इन मंत्रों को सिद्ध करते ही हैं क्योंकि उनके लिए तो ये कार्य बहुत ही आसान हो जाता है और वो इससे बहुत लाभ कमाते हैं। मगर यह आम आदमी आम इंसान को भी करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें हमें इन सिद्धियों की आवश्यकता होती है। कई कार्य हमारे बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ऐसे में हमें इस वाचा सिद्धि की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, मानसिक सिद्धि की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपने पूरा प्रयास और पूरी मेहनत करी है फिर भी आपका उसमें चयन नहीं होता है तो ये हमारे भाग्य की दशा होती है, हमारे ग्रह खराब होने की वजह से हो जाता है। मगर इन मंत्रों को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो अवश्य ही उसे ऐसे चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं जिससे कि वाचा सिद्धि के कारण अगला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति आपके अनुकूल कार्य ही करेगा। यह इस सिद्धि की सबसे बड़ी खासियत होती है, इसलिए इसे शुभ दिन बुधवार से या रविवार से शुरू किया जा सकता है और गणेश जी के प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसे शुरू करने के लिए आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंदिर जाना होगा जो भी आपके नज़दीक पड़ता हो। वहाँ पर अपने साथ में आप एक लाल कपड़ा, लाल पुष्प, लाल ही फल, ये तीनों चीज़ें आप वहाँ पर लेकर जाएं और भगवान गणेश को अर्पित करें और संकल्प लीजिए कि आप इस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं। इस मंत्र को हमेशा या तो ब्रह्म वेला में या फिर सायंकाल में जपा जाना चाहिए। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। ओम गणेश देव वाग देवी मम वाक्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गणेश देव वाग देवी मम वाक्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की ताकत से साधक को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती है जिससे कि जो जो कार्य जो मन में उसके बात आती है उसके अनुरूपी कार्य हमेशा हमारे संपूर्ण और संपन्न होते हैं। और जैसे जैसे महत्वाकांक्षाएं आपके मन में आएगी, मुरादें मन में आएगी, वैसे वैसे ही वो सारी चीज़ें अपने आप ही घटनाएं घटित होने लग जाएगी। मगर इन सिद्धियों का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए, नहीं तो ये सिद्धियाँ नष्ट हो जाती है। और इस मंत्र का निरंतर जप आपको करना है और इसकी कम से कम 11 माला बुधवार बुधवार को आपको करनी है जिससे कि आपको 7 बुधवार के पश्चात में वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे वाक सिद्धि अपने आप ही शुरू होने लग जाती है और आपकी जीवा सिद्ध होने लग जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।